हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने दो टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ अभी तक, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक थे वो? ये था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ करंट एंड एल नीनो एंड ला नीनो, ठीक है। ये मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बता दिया है। अब उसके बाद में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ इसके आगे। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो मेरी होगी ओशनिक टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी पे, ठीक है भाई। हमारी जो ओशन का टेम्परेचर है वो अटलांटिक में कितना है, कैसा है, पैसिफिक में कैसा है, ठीक है, इंडोनेशिया में कैसा है, कौन कौन से फैक्टर टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, हमारा इक्वेटर के पास में कैसा टेम्परेचर कंडीशन बनी रहती है, पोल्स पे हमारी कैसी टेम्परेचर कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से बेसिक से डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारा सैलिनिटी है, ठीक है, कि इस टेम्परेचर का सैलिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इक्वेटर पे सैलिनिटी कैसी रहती है, हाई रहती है, लो रहती है, ट्रॉपिक्स पे हमारी सैलिनिटी हाई रहती है या लो रहती है, पोल्स पे हमारी सैलिनिटी हाई रहती है या लो रहती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी सैलिनिटी डिक्रीज या इंक्रीज करती है, वो सब फैक्टर डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से, बेसिक से एकदम, ठीक है। उसके बाद में डेंसिटी, डेंसिटी को हम देखेंगे, डेंसिटी हमारी कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन से वेरी करती है, इक्वेटर वाले एरिया में मतलब हमारे ट्रॉपिक्स में डेंसिटी कैसी रहती है, ठीक है, और पोल्स में हमारी डेंसिटी कितनी वेरी करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इसकी जो हमारी होती है थर्मोक्लाइन, इक्नोक्लाइन, पोलर लाइन सब, ठीक है, ये सब के सब मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर लूँगा इस टॉपिक में। और अब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैं इसका ही करूँगा, इसी पे अपना मैं आपकी बार लेक्चर बनाऊँगा, ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, ठीक है भाई। उसके बाद में मैं अगला टॉपिक डिस्कस करूँगा इंडियन मानसून। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट में इंडियन मानसून से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, बी सेक्शन में आए या सी सेक्शन में आए, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। वैसे जो मैंने टॉपिक्स ये 10 टॉपिक मैंने लिए हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर का है या 4 नंबर का है, ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इंडियन मानसून को बिल्कुल अपन बेसिक से लेकर चलेंगे, ठीक है, 2 टाइप का होता है, ठीक है, हमारा समर हो गया, विंटर हो गया, कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो हमारे मानसून को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मानसून के ऊपर हमारा एल नीनो का क्या इफेक्ट है, ला नीनो का क्या है, ठीक है, पॉजिटिव आयोडीन, नेगेटिव आयोडीन क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ओशन के ऊपर, इसके इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। तो इसको बहुत बेसिक से लेकर चलूँगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा इंडियन मानसून को। उसके बाद में डिस्कस करूँगा मैं ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, ठीक है, विंड का सर्कुलेशन कैसा है हमारा ग्लोब में, ठीक है, फेरल सेल कहाँ बन रही है, हार्डल सेल कहाँ पे बन रही है, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद में लूँगा मैं जेट स्ट्रीम, देखो ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड के बाद में मैं जेट स्ट्रीम डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखो ये दोनों टॉपिक ना मिलते जुलते एक दूसरे से, जब आप पहले ये पढ़ना उसके बाद में ये पढ़ना तब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि देखो जो हमारी जेट स्ट्रीम बनती है वो फेरल सेल और हार्डल सेल के बीच में बनती है, कुछ हमारी फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में बनती है, तो ऐसे कुछ इसका रिलेशन है आपस में। तो पहले ये पढ़ाऊंगा उसके बाद में जेट स्ट्रीम लूँगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बाद में अपन डिस्कस करेंगे साइक्लोन और एंटीसाइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन कंडीशन कहाँ है, एंटीसाइक्लोन में कहाँ बनती है, ठीक है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर, जैसे हमारा हाई प्रेशर एरिया पे, लो प्रेशर एरिया पे, जैसे हमारा जो साइक्लोन है लो प्रेशर एरिया बनता है, एंटीसाइक्लोन लो प्रेशर एरिया बनता है, ये बहुत अच्छे से बेसिक से डिस्कस करेंगे, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे लैब्सेट हो गया, ड्राई एडियाबेटिक लैब्सेट हो गया, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के, कितने ये टाइप की होती है, स्टेबल इंस्टेबल स्टेबिलिटी कब होगी, अनस्टेबल कब होगी, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। टाइड के बारे में पढ़ेंगे, टाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइड हमारे कौन कौन से फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टाइड के टाइप देख लेंगे, कितने टाइप के टाइड्स होते हैं इंडिया में, हमारे कौन सा टाइड आता है, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ह्यूमिडिटी जैसे टाइप होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। प्रेसिपिटेशन को देख लेंगे, सेम इंटरेस्ट डॉट होगा, तो जो आने वाले मेरे नेक्स्ट जो 10 वीडियोज होंगे वो इन टॉपिक्स पे होंगे बेसिकली, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।